हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके ही मेंटर्स पर। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्यूब, और क्यूब को हम हिंदी में घन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्यूब है और मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया है जिससे कि मुझे बड़े क्यूब से छोटे क्यूब मिल पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कितने कट किए हैं। तो नंबर ऑफ कट्स हमारे, ये हमारा पहला कट है, ये हमारा दूसरा कट है, ये थर्ड, ऐसे ये फोर, फिर ये फाइव, फिर ये सिक्स, फाइव। सो टोटल नंबर ऑफ कट्स हमने किए हैं सिक्स। अब एसएससी हमसे जो क्वेश्चन पूछती है वो ये पूछती है कि अगर हमने बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि बड़े क्यूब की लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर है और छोटे क्यूब की लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है। ये लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें n n जो हमारा होगा वो क्या होगा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। तो बिगर क्यूब लेंथ हमारी 3 है और स्मॉलर क्यूब लेंथ हमारी 1 है, तो n जो है वो हमारा 3 आ गया। फिर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। 27 इज द आंसर। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें दिया है कि 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब। इसमें हमें बिगर क्यूब की लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दी है कि ये 12 सेंटीमीटर है, और इसे हमने कट किया है 4 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब में, तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें हम फिर ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आर देयर। हम पहले क्वेश्चन की तरह एन निकालेंगे। एन क्या होगा हमारा, बिगर क्यूब लेंथ हमारी 2 है अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, स्मॉलर क्यूब लेंथ हमारी 4 है, तो n हमारा आ जाएगा 3, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हमारे हो जाएंगे n क्यूब मींस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। 27 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ क्यूब, कितने प्रकार के क्यूब्स हो सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब वो होता है जिसके कॉर्नर 3 साइड से पेंटेड होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये कॉर्नर हमारा पेंटेड है, ये कॉर्नर पेंटेड है, ये कॉर्नर पेंटेड है, ये पेंटेड है, और ऐसे ही 4 हमारे बैक साइड में पेंटेड हैं। कॉर्नर क्यूब 3 साइड पेंटेड होते हैं, और ये कितने होते हैं, 8। 4 हमारे इस साइड है और 4 हमारे बैक साइड है। अब 2 साइड पेंटेड क्यूब को हम क्या कहते हैं, मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब कौन सा होता है जिसमें 2 साइड पेंटेड होते हैं। देखिए, एक ही साइड है, एक ही साइड है, तो 2 साइड पेंटेड है, ऐसे ही है ये, तो ये कितने होते हैं, पहली लेयर में देखें तो ये हमारे 4 हैं, दूसरी लेयर में भी ये हमारे 4 हैं, और तीसरी लेयर में भी 4 हैं। इस क्यूब में टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 12। और ये इसका फॉर्मूला है मिडिल क्यूब निकालने का। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें तो 12 इंटू एन कितना है, स्मॉल एन। स्मॉल क्या एन होता है हमारा, बिगर क्यूब की लेंथ पे जितने स्मॉलर क्यूब होते हैं, कितने, 1, 2, 3। तो एन हमारा हो जाएगा 3, 3 माइनस 2, 12 इज इक्वल टू 12, 12 इज द आंसर। ये हमने कन्वेंशनल मेथड से जब काउंट किया तो भी 12 आया, और हमने फॉर्मूले से काउंट किया तब भी हमारा 12 ही आया। फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिएगा कि फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। मैं आगे ये भी सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले की ट्रिक, जिससे कि फॉर्मूले लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से क्यूब हो सकते हैं। ये थर्ड नंबर का क्यूब आता है हमारा सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब क्या होता है, इसमें
वन साइड पेंटेड होती हैं, जैसे कि एक ये, एक ये, एक ये, एक बैक साइड है, एक ये नीचे की साइड है और एक ये साइड है। तो अगर हम इस क्यूब में देखें तो हमारे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स हमारी सेंटर क्यूब है। और अगर हम फॉर्मूले में डालें तो हमारा कितना आता है, 6 × 3 − 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फॉर्मूले से भी हमारा 6 ही आएगा। अब एसएससी हमसे ये भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स नो साइड पेंटेड, ऐसा क्यूब, छोटा क्यूब जिसकी कोई भी साइड पेंटेड ना हो। तो इस वाली फिगर में जैसा कि हमें दिख रहा है, एक सेंटर में क्यूब होगा, एक ही क्यूब होगा जिसकी नो साइड पेंटेड है। और अगर हम फॉर्मूले लगाएंगे तो 3 − 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 इज द आंसर। अब हम देखते हैं कि इतने सारे क्यूब्स हैं और इनके फॉर्मूलेज हम याद कैसे करेंगे। तो ये ट्रिक टू रिमेम्बर फॉर्मूले। इसमें हम क्या करेंगे, जितने सरफेस हमारे पेंटेड हैं वो हम एक साइड लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3 साइड पेंटेड 2 साइड पेंटेड 1 साइड पेंटेड एंड मींस जितने सरफेस पेंटेड है, 3 सरफेस पेंटेड 2 सरफेस पेंटेड 1 सरफेस पेंटेड एंड नो सरफेस पेंटेड। अब अगर कोई भी क्यूब होता है, ये हमारा क्यूब है, तो हम इसमें कहाँ से चलेंगे, कॉर्नर से चलेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर लिख लेंगे, उसके बाद कॉर्नर से हम एज लिखेंगे, ये हमारी एज होती है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर से चलेंगे, उसके बाद हम एज से चलेंगे, एज लिख लेंगे, एज के बाद हमारी ये सरफेस होती है, फिर हम सरफेस लिख लेंगे, और सबसे बाद में एक सेंटर होता है। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर कितने होते हैं कि उसमें हमको पता है कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर हमारे होते हैं 8, तो हम 8 लिख लेंगे। एजेस कितनी होती हैं, एजेस अगर हम देखें तो एजेस हमारी कितनी होती है, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 ही हो जाएंगी 8, और 4 ये 2 और 1 ये 2, तो हमारी जो एजेस होती हैं वो 12 होती हैं। सरफेस हमें पता ही है, क्यूब में 6 सरफेस होते हैं और सेंटर एक ही होता है, तो हम क्या करेंगे, 8 12 6 एंड 1, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम n-2 सब में ऐड कर देंगे, सब में n-2, और फिर हम जो हमने सरफेस लिखा था इससे रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे 0 1 2 3, ये रिवर्स हो जाएगा, 0 यहाँ पहुंच जाएगा और 1 2 3 4, और इससे हमारा जो कॉर्नर कॉर्नर क्यूब है, मींस 3 सरफेस पेंटेड क्यूब 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, मींस कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, सेंटर क्यूब एंड नो साइड पेंटेड क्यूब, अगर हमें निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जाम में भूल भी जाएं तो एकदम से टेबल बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल में आया था। इसमें हमें दिया है कि सॉलिड क्यूब इज मेड अप ऑफ 64 स्मॉलर क्यूब्स, तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दे रखी है, स्मॉलर क्यूब 64, और जो कि हमें पता है क्या होता है, एन क्यूब। यहाँ पे एन निकल आएगा, एन हमारा कितना आ जाएगा, 4, 4 हमारा एन आ गया। इसमें हमसे पूछा है कि टू इन हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स टू साइड्स आर गिवन, टू साइड्स पूछा है, मीन्स मिडिल क्यूब हमसे पूछा है, और मिडिल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 12 n − 2। मिडिल क्यूब कितने हो जाएंगे, 12 × n, हमारा 4 आ गया था, 4 − 2 = 24 इज द आंसर। हम इसे टिक कर देंगे, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ ये देखते हैं,
इसमें हमें कहा है कि ए कलर क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल पे किया था वैसे ही हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दे रखे 125। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एन क्यूब है, सो हमारा एन आ जाएगा 5, 5 का क्यूब इक्वल टू 125। एन आते ही हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। हमसे कहा गया है थ्री सरफेस पेंटेड, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, अगर थ्री सरफेस पेंटेड होता है तो हमारे कॉर्नर्स के बराबर होता है, और एक एक हमारे क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। टू सरफेस पेंटेड में हमने फॉर्मूला पढ़ा है 12n-2, तो ये आ जाएगा हमारा 12 5-2, मीन्स आंसर आ जाएगा हमारा 36। वन सरफेस पेंटेड क्या था, इसे थोड़ा आगे कर देते हैं। वन सरफेस पेंटेड का हमारा फॉर्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 × 5-2 का स्क्वायर इक्वल टू 54, इसका आंसर 54 हो जाएगा। अब ये कह रहा है एटलीस्ट टू सरफेस पेंटेड, जब एटलीस्ट आएगा इसका मतलब है कि कम से कम टू सरफेस पेंटेड हो, मीन्स दो सरफेस पेंटेड भी होगा और थ्री भी होगा, क्योंकि थ्री सरफेस पेंटेड में भी दो सरफेस पेंटेड होंगे। तो हमारे टू सरफेस पेंटेड कितना आए थे, यहाँ पे देखिए 36, और थ्री सरफेस पेंटेड कितना आया था, 8, प्लस ये हमारा हो जाएगा 8, 36 प्लस 8 हमारा आंसर जो आएगा वो जाएगा 44। सो हमारा डी का आंसर हो जाएगा 44। नो सरफेस पेंटेड हमें पता है, नो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला है n-2 होल क्यूब, n है हमारा 5 5-2 होल क्यूब मीन्स 3³ = 27 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन ने हमारा लास्ट स्लाइड में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सारा कवर हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 4, इसमें हमें क्या दिया है कि सॉलिड क्यूब है ईस्ट साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, मींस इसकी 8 साइड हमारी 8 सेंटीमीटर की है, और ये हमारा रेड ब्लू एंड ब्लैक से किया है, ये हमारी रेड है, रेड ब्लैक एंड ब्लू, और ये हमारी क्यूबिकल ब्लॉक्स में कट किया है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड का हमें फॉर्मूला पता है n-2 होल क्यूब, तो n हमारा क्या होगा, सबसे पहली बात हमें n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम बिगर क्यूब लेंथ 8 और स्मॉलर क्यूब लेंथ हमें कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो हमारा है ये 2 सेंटीमीटर है, तो n हमारा कितना होगा 8-2, वो 8/2 = 4, 4 हमारा n हो जाएगा। सो यहाँ पे हम करेंगे 4-2 होल क्यूब मीन्स 8 हमारा आंसर होगा फर्स्ट का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। वन फेस पेंटेड का हमें पता था 6n-2 का होल स्क्वायर, n हमें पता है, n यहाँ से हमें पता है 4 है, सो हम यहाँ रख देंगे 6 4-2 होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया 24। अब अगर हम देखें तो ओनली वन फेस पेंटेड 24 कैसे हो गए, देखते हैं। ये देखिए, अगर हम देखें तो वन फेस पेंटेड एक ही होगा, 2 3 4, ऐसे ही बैक साइड भी 4 होंगे, लेफ्ट साइड भी 4 होंगे और राइट साइड भी 4, मतलब हर सरफेस पे 4 हैं। तो कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, और 6 हर सरफेस पे 4 है, तो 6 सरफेस पे कितने होंगे 24। तो अगर हम कन्वेंशनल वे से भी सॉल्व करें तो भी हम आंसर ला सकते हैं, बट
फॉर्मूले से करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो 6 फेसेस पे 4 4 होंगे तो 24 हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड। 2 फेसेस पेंटेड वाले कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8, और 4 हमारे इस साइड होंगे 12, और 4 ही हमारे इस साइड होंगे। हमें पता करना है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 साइड पेंटेड। तो ये भी हमारा हर फेस पे 4 है तो 6 फेसेस हैं, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 24, 24 आ जाएगा। और 2 फेस पेंटेड का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होता है, 12 n-2, n हमारा हमें पता है 4 है, तो 12 × 4-2 = 24 इज द आंसर। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड। 3 फेसेस पेंटेड कौन से होते हैं हमारे, कॉर्नर क्यूब्स। और एक क्यूब में हमें पहले पता है कि हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसे हम सिंपली 8 आंसर कर देंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड विथ डिफरेंट कलर। तो इसमें कॉर्नर क्यूब भी होंगे और ये 3 डिफरेंट कलर्स से हैं, तो ये बस ऐसे ही कन्फ्यूज करने के लिए है। इसका आंसर भी 8 ही होगा, क्योंकि हमारे जो तीनों कलर सरफेस पे हमें किए हैं वो डिफरेंट ही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। तो हमें बताना है कि 2 फेसेस हमारे रेड और ब्लैक, बट अदर फेसेस अनपेंटेड। तो एक हमारा ये हो जाएगा, 2 3 4, ऐसे ही हमारे 4 इस साइड होगा, इस साइड तो कुछ होगा नहीं, तो 4 + 4 = 8, इसका आंसर हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। आप देख पा रहे होंगे 4 इस साइड है और 4 ही इस साइड होंगे, इस साइड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस फेस पे ब्लू कलर है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन वन फेस पेंटेड रेड रेड एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये कौन से होंगे, हो जाएंगे 1 2 3 4, और ऐसे ही बॉटम पार्ट में 4 होंगे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक। 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इधर हमने ब्लैक किया है और अपोजिट साइड ब्लैक है, तो ब्लैक इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर नन होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 फेसेस पेंटेड ब्लू एंड 1 फेसेस पेंटेड रेड, द अदर फेसेस मे बी पेंटेड और अनपेंटेड। तो ये कह रहा है कि ब्लू और रेड हो सकते हैं, ब्लू और रेड, और जो थर्ड सरफेस है वो पेंटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये देखें, रेड और ब्लू हमारा, एक मिनट, इस वाले एज पे है रेड और ब्लू, ऐसे ही रेड और ब्लू हमारा इस वाली एज पे होगा, और ऐसे ही नीचे 4 है और ऐसे ही बैक साइड पे 4 है, तो 4 4 जगह हैं, तो 16 हमारे ऐसे ब्लॉक होंगे जो रेड और ब्लू पेंटेड है, और थर्ड साइड कुछ भी पेंटेड हो सकती है जैसे कि ब्लैक है इस केस में। तो हमारे कितना आंसर हो जाएगा, 4 8 12 and 16, आंसर विल बी 16। और अब हमसे पूछा गया हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ऑल। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ऑल। तुम्हारा एन कितना आया था, एन हमारा 4 आया था, सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो स्मॉल क्यूब्स हमारे निकले थे वो एन क्यूब होता है, तो 4
का क्यूब कर देंगे तो आंसर विल बी 64। 64 इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2013 में आया था। इसमें हमसे पूछा है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन द ग्रुप। सो फ्रेंड्स, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर देंगे और इसे हम यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4। अब फर्स्ट रो में कितने क्यूब हैं, 1, 2, 3, 4, तो फर्स्ट में जितने भी होंगे हम उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे टू में कितने हैं, 1, 2, 3, 2 में 3 हैं, और 3 में कितने हैं, 2, और 4 में कितने हैं, 1। इन सबको सॉल्व करेंगे, 4, 3 2 जे 6, 3 2 जे 6 एंड 4 जे 4, फिर इन सबको ऐड कर देंगे जिससे कि हमें टोटल क्यूब मिल जाए। तो 6 आंसर क्या हो जाएगा, 20, आंसर विल बी 30। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, हाउ मेनी क्यूब्स इन डायग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं, इसका पैटर्न सेम है, तो हर लेयर में कितने क्यूब्स हैं, 3 3, तो 3 लिख लेंगे हम, और हर लेयर में कितने क्यूब्स हैं, 3। चौथी लेयर में कितने हैं, चौथी लेयर में हमारे कितने हैं, 2, और फिफ्थ लेयर में कितने हैं, 1, फिफ्थ में हमारा 1 है। इन्हें हम जोड़ लेंगे, 3 3 9, 4 2 8, 5 5, जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा 22। इस क्वेश्चन को कुछ लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं वो देखते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेयर हम ऐसे काउंट कर लेंगे, ये मैं गलत मेथड बता रहा हूँ। सो 1, 2, 3, 4, 5, और हम फर्स्ट लेयर में 3 हैं, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 2 हैं, पांचवे में 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें ये हमारा राइट आंसर है और ये हमारा गलत, मीन्स राइट मेथड है और ये हमारा गलत मेथड है। तो कभी भी इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, और इसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि सिमिलर लेयर पे हमें काउंट करनी है और वो हमें सीधे लिख के उसमें एक लेयर में कितने क्यूब्स हैं वो यहाँ लिख देना है। इस ये लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबॉइड स्टार्ट करेंगे और एसएससी के लास्ट ईयर क्वेश्चन जो कि क्यूब्स एंड क्यूबॉइड पे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।